हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे हिंदी। आगे के वीडियो में हमने क्या देखा, क से कमल। आज हम देखेंगे ख से खरगोश। ख से खरगोश, ख का क्या होता है, के एच ए। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे, ख पहचान कर सर्कल बनाओ। तो यहाँ पे हमें अलग अलग वर्ण दिए गए हैं, तो उसमें से जो ख है उन पे हमें क्या करना है, सर्कल। ये फर्स्ट है ख, तो उन पे हम सर्कल बनाएंगे। फिर ये घ, श, न, र, ख, तो ख आया, तो ख पे हम क्या बनाएंगे, सर्कल। फिर है च, म, ख, ख पे करेंगे सर्कल। त, ख, ख पे क्या करना है, सर्कल। व, ज, फिर ख आया, तो उन पे क्या करेंगे, सर्कल। ओके, तो फिर नेक्स्ट है पढ़ो, वर्णों में रंग भरो, कलर द लेटर। तो यहाँ पे आपको ख दिया गया है, उसके बाजू वाला जो ख है उनमें आपको कलर करना है, और उसके बाजू वाला जो ख है उनमें आपको ट्रेस करना है पेंसिल से। ओके, फिर नेक्स्ट है पढ़ो और लिखो ख। तो ख हमें थ्री जो ख है उनको ट्रेस करना है, ट्रेस करने के बाद खुद से लिखना है। फिर टर्न योर पेज, फिर है ख को ख से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। तो यहाँ पे आपको सर्कल में अलग अलग से चित्र दिए गए हैं और बीच में ख है, तो ख से जो शुरू होने वाले शब्द हैं उन पे आपको मैच करना है। तो फर्स्ट है ये गणपति, तो गणपति नहीं आएगा। फिर ये खंभा, तो खंभे में आपको मैच करना है। फिर है क, ल, श, तो वहाँ नहीं आएगा। फिर है खप्रैल, तो खप्रैल में आएगा ख। फिर है खरगोश, खरगोश में आएगा। गधा, तो गधा में नहीं आएगा। फिर है खटिया, यस, तो खटिया ख से शुरू होता है, तो ख से मैच करेंगे। फिर है ख के नीचे रेखा खींचो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वर्ड्स दिए गए हैं, तो वो वर्ड्स में से जो ख लिखा हुआ है उनके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। तो फर्स्ट शब्द है, फर्स्ट वर्ड है ब, त, ख, तो ख के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। फिर है ओ ख ली, ख के नीचे अंडरलाइन। फिर है च, च ख ना, ओके, तो ख के नीचे अंडरलाइन। फिर है ख टिया, ख के नीचे। ख त, ख के नीचे लाइन। लिखना, ख के नीचे अंडरलाइन। फिर है ख से अलग वर्णों को क्रॉस करें। यहाँ पे जो वर्ण दिए गए हैं उसमें जो ख है उनको छोड़ के जो अलग वर्ण है उन पे हमें क्रॉस करना है। तो ये है ख, तो यहाँ पे हम क्रॉस नहीं करेंगे। फिर है र, तो यहाँ पे क्रॉस, व, क्रॉस करेंगे। ये ख है क, तो क पे क्रॉस। फिर ये है ग, ग पे क्रॉस करेंगे। ये है ख, ख को छोड़ देंगे। च, च पे क्रॉस, ख है, ख को छोड़ देंगे। फिर है ब, तो ब को क्रॉस करेंगे। फिर ये है ख, ये रहा ब, तो ब को क्रॉस करेंगे। ख को छोड़ देना है। र, र पे क्रॉस, एंड ग, ग पे भी क्रॉस आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है पढ़ो और लिखो। ओके, तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं और नीचे शब्द लिखा हुआ है, उसके नीचे जो शब्द लिखा है उसमें जो लेटर नहीं है वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट जो पिक्चर है उनमें लिखा हुआ है ख टी या, ओके, उसके नीचे जो लेटर लिखा हुआ है उसमें ख मिसिंग है, तो आपको क्या लिखना है, ख। तो ऐसे आपको वर्ड कंप्लीट करना है, ख टी या। फिर है नेक्स्ट ख र बू जा, खरबू जा, ओके। फिर उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन दी गई है, तो उसमें कौन सा लेटर मिसिंग है, ख, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ख, ओके। फिर नेक्स्ट है ख र ल, ओके, फिर नीचे ऐसे अंडरलाइन दी गई है, तो उसमें ख मिसिंग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ख, ख र ल, ओके। फिर नेक्स्ट है ख त, ओके, तो ऐसे मिसिंग लाइन दी गई है, यहाँ पे ख लिखेंगे, तो वर्ड कंप्लीट होता है ख त।
फिर उसके नीचे दिया गया है शब्दों में से ख पहचान कर सर्कल बनाओ। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, उसमें से जो ख है उनमें हमें क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे कि पूरा शब्द पहले हम पढ़ेंगे ख टो ला, तो ख के ऊपर सर्कल, ख ग ख के ऊपर सर्कल, ली ख ना ख के ऊपर सर्कल, ख र ल ख के ऊपर सर्कल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारी ख की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग देखेंगे।